मिशन शक्ति अभियान के तहत कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जिले की 43 चिकित्सा इकाइयों पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस अभियान का आयोजन सोमवार को किया गया। इस मौके पर गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व की जांच की सुविधा प्रदान की गई। इस संबंध में सीएमओ डॉ श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जांच के दौरान 120 उच्च जोखिम गर्भावस्था चिन्हित की गई, जिनकी आशा कार्यकर्ता के जरिए निगरानी की जाएगी। जिले में कुल 4000 गर्भवतियों की जांच कराया। इस दौरान जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे ने खोराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुए आयोजन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे द्वारा फीता काटकर अभियान का शुभारंभ किया गया। वहीं सभी ACMO ने भी संबंधित क्षेत्र के आयोजनों में हिस्सा लिया। इस दौरान CMO डॉ श्रीकांत तिवारी ने बताया कि अक्टूबर 2020 तक कुल 52,481 गर्भवतियों को अभियान के दौरान निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की गई। जिले में अभियान की शुरुआत से लेकर अक्टूबर तक 3604 HRP चिन्हित की गई हैं। उन्होंने बताया कि अभी परिस्थिति वर्ष लोग अस्पताल आने से डर रहे हैं। मुख्यतः गर्भवती महिला प्रसव के लिए केंद्रों पर आ रही हैं, लेकिन जांच के लिए नहीं। जबकि गर्भावस्था व प्रसव के समय होने वाले खतरों में मात्र एवं शिशु को बचाने के लिए प्रसव पूर्व जांच बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण बाधा है, लेकिन सतर्कता के साथ गर्भवती माँ को खास होने का एहसास दिलाते हुए प्रत्येक 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी के विजय पांडेन ने सभी से कोविड 19 की जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए समय समय पर गर्भवती महिलाओं को अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने सभी जाँच कराकर खुद के साथ 2 जिंदगियों को सुरक्षित रखने की अपील की गई। उन्होंने बताया कि सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर विभिन्न तरह के ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल निःशुल्क है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीएमओ डॉ श्रीकांत तिवारी और जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा प्रेगनेंसी डे हर 9 तारीख को महीने की मनाया जाता था।
कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के रूप गए थे, उसमें एक कार्यक्रम ये भी था, क्योंकि उस दिन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर गायनेकोलॉजिस्ट आती हैं और एक विशेष अभियान के रूप में हम प्रेग्नेंट लेडीज की जांच करते हैं और उनमें चिन्हित करते हैं कि कोई हाई रिस्क तो नहीं है, तो वो रोक दिया गया था भीड़ की वजह से। लेकिन हमारा VHMD शुरू से ही चल रहा है, जहाँ पर हमारी आशाएं ANM प्रति वेंसडे और सैटरडे को माताओं की जांच करती थी, अब तो वो 3 दिन हो जाएगा, मंडे वेंसडे सैटरडे गर्भवती माताओं की जांच करती थी और ये देखती थी कि उनका हीमोग्लोबिन ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, उनके कोई और दिक्कत तो नहीं हो रही। हाई रिस्क क्या क्या होता है प्रेगनेंसी में, बहुत से आप सबको जानकारी है, बहुतों को हो सकता ना भी हो। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो हाई रिस्क है प्रेगनेंसी के दरमियान। एनीमिया है, खून की कमी है बॉडी में, तो वो हाई रिस्क है। अगर उसका शुगर बढ़ा हुआ है तो वो हाई रिस्क है। अगर उसे झटके आ रहे हैं तो ये हाई रिस्क है। अगर उसके आंखों की रोशनी कम हो रही है तो ये हाई रिस्क है। अगर उसे किसी भी तरह का रक्तस्राव योनि मार्ग के माध्यम से हो रहा है तो ये हाई रिस्क है। इसके अलावा अगर बच्चे का मूवमेंट नहीं फील होता कि बच्चा मूव कर रहा पेट में कि नहीं, तो हाई रिस्क है। इन सारी चीज़ों की जांच होती है हमारे VHMD सेशंस पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, और हम 9 तारीख को विशेषज्ञ चिकित्सा गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन बुलाते हैं हर जगह, हर PSC और हर PSC पर, और वो लोग उसको चिन्हित करते हैं टाइमली अगर हम इलाज नहीं देते, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। और ये चीज़ को माताओं की विशेष रूप से जांच होगी। आप सभी ANM आशाओं को तो पता ही है, माताओं को भी पता होना चाहिए, आपकी 9 प्रकार की जांचें जिसमें ब्लड प्रेशर, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, शुगर, सिफिलिस, HIV, ये सारी जांच निःशुल्क आपके VHMD सेशन से लेके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध है। और अगर करीब में है, इसलिए यहाँ हमने अल्ट्रासाउंड के लिए टाइप नहीं किया है, क्योंकि आशा ले जाती है हमारे जिला अस्पताल में करा ले। तो इस दिवस की शुरुआत हम फिर से कर रहे हैं, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का 3 दिन समय हमने मांगा था, आज आए हैं, इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं। सर, मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे सभी PSCs और CSCs के किसी प्रकार से मनाया जाए, याद आ जाए। प्रधानमंत्री जी ने एक इस योजना का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि अब हमें टेलीफोन आते हैं कि मेरा 2nd किस्त ड्यू है, मेरा 3rd किस्त ड्यू है, यानी कि सभी को जानकारी है। फिर भी हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री जी ने प्रेग्नेंट वुमेन जो पहली बार प्रेगनेंसी होती है उसके भरण पोषण के लिए ₹5,000 दिया है। हर माता जो गर्भवती होती है पहली बार, पहले बच्चे वो देते हैं, लेकिन वो किस्तों में देते हैं। तो किस्त किस लिए बनाई गई, इकट्ठा क्यों नहीं दिया गया, इसलिए कि ताकि आपकी समय समय पर हर जांच हो सके। आपका खाता नंबर होना अनिवार्य है, आपका आधार कार्ड होना अनिवार्य है। दूसरी किस्त 180 दिन में मिलती है, जब आप और चेकअप हो जाते हैं तब। और तीसरी किस्त बच्चे का जन्म होने के बाद, बच्चे को जब पहला टीकाकरण का चक्कर पहली डोजेस जो लगती है, ताकि पता चल जाए, समय से इनकी देखभाल उस रूप से भी की जा सके। और अब मैं आग्रह करूंगी हमारे जिलाधिकारी महोदय से अपने आशीर्वचन हमें दें। MOEC इसी कार्यक्रम का नोडल मैडम और यहाँ आए हुए सारे आशा बहनों और गर्भवती माँ और सभी साथियों, जैसे आज CMO साहब ने बहुत डिटेल में बताया, आज ये 9 तारीख का मना रहे, हर महीने मनाएंगे। प्रधानमंत्री मातृ सुरक्षा अभियान एक तरफ से इसका जरूरत इसलिए पड़ा है, आपको याद होगा पिछले 8 महीने हम लोग कोरोना के काल में जूझ रहे हैं, अभी भी कोरोना हम लोग बीच में है और भी सतर्क रहना है। उसी की वजह क्या हुआ है, जो हमारा रूटीन जांचें होती थी और रूटीन चेकअप होती थी और रूटीन जो किसी का ऑपरेशन करना ये करना है, सब में थोड़ा गैप हो गया, ढिलाई हो गया, और जनता का मन में भी थोड़ा भयभीत था ना कि बाहर जाने से ऐसे तो नहीं कोरोना उनको हो जाए।
और अभी देखिए अभी हम लोग थोड़ा ठीक ठाक स्थिति पे है कोरोना नियंत्रण कराने में, ताकि मुश्किल से बहुत कम केसेस निकल रही है, जो निकल भी रही है उन लोग का 10-15 दिन में हम ठीक होकर के घर भी भेज रहे हैं, बहुत लोग घर से ही ठीक हो जा रहे हैं, ताकि आज हम लोग के बीच में बहुत अच्छा दवाएं अवेलेबल है और उपचार अवेलेबल है, किसी का ऐसे कोई खराब स्थिति नहीं होगी, उसके पहले हम बचा लेंगे। और ये भी बताना चाहता हूँ इसी कोरोना काल में करीब 250 महिला का कोविड महिला का हम लोग प्रेगनेंसी जो यहाँ डिलीवरी भी हुआ है, जिला अस्पताल में भी हुआ है, बीआरडी में भी हुआ है, और ऐसे कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे बच्चे के भी तो वैसे याद होगा गोरखपुर का जो पहले यहाँ का जो मरीज है जो यहाँ से डिस्चार्ज हुआ बीआरडी से संत कबीर नगर से, 2 महीने की छोटी लड़की थी, वो लड़का था, उसके बाद फिर वो माँ के साथ आई थी, माँ का कोरोना नहीं था बच्चे का कोरोना था, माँ ने उनका पाला संभाला, उसके बाद दोनों लोग ठीक होकर के वापस चले गए। ऐसे अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूँ। देखिए ये अभियान इसलिए बहुत जरूरी है ताकि गर्भवती माँ तो अकेली नहीं है, दो जान है, उनका अंदर का जो जीवन है उसको बचाने का दायित्व है, जिम्मेदारी सभी का, ताकि एक माँ कभी भी गर्भवती है प्रेग्नेंट होती है वो एक तरफ नोटिस देती है सभी को 9 महीने का, देखो मैं तो 9 महीने के बाद एक जीवन पैदा करने वाली है, उसके बीच में कितने काल होता है बहुत ही संवेदनशील समय वो माना जाता है, ताकि शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव होता है वो महिला कल्पना भी नहीं कर सकती, उनका खून का जो नंबर बढ़ जाता है घट जाता है, और कहीं कहीं सूजन हो जाता है, कहीं बीपी शुगर का इश्यू आता है, अनेक कॉम्प्लिकेशन आता है, हर महीने के हर महिला का हर प्रेगनेंसी काल का अलग अलग लक्षण होता है, इसलिए हमेशा कहते हैं ऐसे नहीं तो पिछले डिलीवरी अच्छा हुआ है दोबारा बच्चे के भी अच्छा होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए तो हर डिलीवरी का हमें सतर्क रहना होगा, हर डिलीवरी का पहले डिलीवरी जैसे ही ठीक करते हुए कराना होगा, खासतौर पर जो पहले डिलीवरी है वो बहुत संवेदनशील होता है, ताकि जो पहले बार डिलीवरी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है, और इसलिए तो बार बार कहते हैं देखिए जो आपका नजदीकी केंद्र में सब सेंटर से लेके पीएससी से लेके सीएससी से लेके जिला अस्पताल तक का हर सुविधा अवेलेबल है, बेसिक जांच है तुरंत आपको करनी होती है, खासतौर पर खून की जांच है, यूरिन टेस्ट और बीपी शुगर इत्यादि सारे चीज का वो अभी कर ही रहे हैं, उसके अलावा हर महिला का जरूरत के हिसाब से कुछ पोषण चीज दी जाएगी, दवा दी जाएगी, फोलिक एसिड और आपका आयरन टैबलेट गोलियां दी जाएगी, क्या क्या खाना पीना है क्या क्या नहीं खाना पीना है वो भी बताई जाएगी, ताकि आपका अंदर का जो जीवन बचाने की जिम्मेदारी प्रथम जिम्मेदारी आप ही का है और हम लोग का भी है, और डॉक्टर जो बताते हैं उसको अक्षर पालन करिए, मैं ये निवेदन करता हूँ, ताकि कुछ लोग सुन के जाते हैं वोट करके जाते हैं अपनी मर्जी से फिर करते हैं, इसमें तो फिर इसी सारे मेहनत का कोई फायदा नहीं, और मेरा आशा है तो बहुत लोगों को बताता हूँ ये महिला का आपसे बेहतर समझाने वाले कोई है नहीं, ताकि आपने इलाका में कितने अच्छा डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी कितने लोगों को हो गया है आप उदाहरण तौर से बता सकते हैं, वो समझने में उनका आसानी रहेगा, इनका ऐसे हुआ था इतनी उम्र था ये बच्चे ऐसे हुआ है सही हो गया सारी चीज, और बच्चे पैदा होने के बाद भी क्या क्या टीका लगना है उसी का भी एक लिस्ट है, ताकि तो पूरे 1 साल तक का पोलियो से लेके तमाम टीका लगता है उसका शेड्यूल बनता है, ताकि आप केवल सुरक्षित रहने में नहीं, ताकि एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद कम से कम 2 साल तक का आपका लगातार पीएससी सीएससी और सरकारी महकमा नहीं तो किसी भी महकमा में आकर के आपका लगातार संपर्क में रहना पड़ता है, ताकि आप ही का भी और आपके बच्चे की भी सुरक्षा वो दोनों का जिम्मेदारी हम लोग प्राइवेट में कर ले, ताकि देखिए हम लोग सरकारी का प्राइवेट का नियत अलग अलग होती है, हम लोग का नियत जान बचानी है वो दोनों को कराना है, बस और कोई लाभ का दृष्टा में किसी पे तो कोई फोकस ही नहीं करते हैं, प्राइवेट में दूसरे तरह का है, ताकि देखिए एक एक डिलीवरी कहीं 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, प्राइवेट में जाएंगे तो उनके जल्दीबाजी में जल्दी जल्दी सिसेक्शन कर लेते हैं सिसेरियन कर लेते हैं जल्दी, बस कितने 1 सप्ताह 10 दिन वहाँ रुकते हैं, फिर आपका खर्चा भी बढ़ेगा उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ता है, इसलिए आशा है ना बहुत बताता हूँ पहले से, ताकि मैंने बताया 9 महीने के नोटिस काल है लोगों का, उसी के समय में उनका तंदुरुस्त करिए, उनका आयरन गोली दे करके जो उनका यदि मान लीजिए एनीमिक है उसी का जो भी कराना है आप जानते हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब से संपर्क करें उसी के हिसाब से वो औरत का जो गर्भवती औरत का मजबूत करा लेते हैं, ताकि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाए अच्छा रहता है, दोनों दायित्वों में फोकस करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आज तो शुरुआत हुआ है वो आगे भी अच्छा चलेगा, एंड जरूर ये कोविड काल में है हम लोग
अभी भी मैं देख रहा था बहुत सारे महिला जो मास्क नहीं पहने हैं, नहीं तो दुपट्टा से वो जो अपने मुंह और हाथ नहीं दिखाए, ये बिल्कुल अनुमति नहीं है। ताकि अभी भी कोरोना के बीच में है, इसलिए कोरोना की जांच भी चल रहा है। कहीं भी आप जाते आते सतर्क रहे, मुंह और नाक ढका के रखें। आगे तो 2-3 महीने तक हम लोग का टीकाकरण लगाने के लिए योजना बन रहा है, जल्दी बन जाएगा, तब तक आपको सुरक्षा आपके हाथ में है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में 9 तारीख हर महीने की 9 तारीख पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। कोविड के चलते कुछ दिनों तक ये कार्यक्रम बाधित था, हम लोगों ने उसे पुनः शुरू किया है पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में। इसमें हम गर्भवती माताओं की स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा चेकिंग कराते हैं और ये तय करते हैं कि उनके सारे टेस्ट जो हो रहे हैं वो सब नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल है। अगर कोई एबनॉर्मल पाया जाता है तो उसका पहले से ही हम तैयारी कर लेते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है और कहाँ पे उसकी डिलीवरी होनी है, ये बिफोर हैंड हमें पता होता है, जिससे कि जच्चा बच्चा सुरक्षित होती है और बच्चे का डेवलपमेंट, बच्चे के मदर की का स्वास्थ्य कैसा है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है। हम 9 टेस्ट करते हैं प्रेग्नेंट लेडी के, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि उसके हीमोग्लोबिन कितनी है, यूरिन में शुगर तो नहीं जा रही है, ब्लड में शुगर बढ़ा हुआ तो नहीं है, बच्चे का मूवमेंट ठीक है कि नहीं है, ग्रोथ कैसी है, हम अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं उसके। और फिर सामान्य तौर पे जो जांच हमारी ANM आशा और स्टाफ नर्सेस करती रहती हैं, उसके अतिरिक्त अगर उन्हें कुछ लगता है कि नहीं इसको स्पेशलिस्ट को दिखाना है, तो हम 9 तारीख को वो व्यवस्था दिए हुए हैं। उसी संदर्भ में आज यहाँ कुराबार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर यहाँ डॉक्टर राजेश साहब ने एक आयोजन किया था, फिर से जनमानस को ये जानकारी हो जाए कि 9 तारीख प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया गया। हाँ, उनका कोविड टेस्ट भी करा रहे हैं और उनके ब्लड के सारे टेस्ट करा रहे हैं, जिससे कि ये पता हो सके तो वो माता कोविड नेगेटिव है। वैसे कोविड पॉजिटिव माताओं की भी डिलीवरी बड़े सामान्य तरीके से हमारे BRD मेडिकल कॉलेज और हमारे हॉस्पिटल्स में कई का, जैसा कि अभी आपको जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया, 215 लोग ऐसे हैं जो कोविड पॉजिटिव थे और देखा गया कि उनके बच्चे नेगेटिव निकले हैं, तो कोई भयभीत होने के डर नहीं है। और कोविड माता भी अगर गर्भवती है तो उसकी डिलीवरी सामान्य तौर से हो सकती है या सिजेरियन से हो सकती है, और 15-12 दिन के काल में उसकी माँ और बच्चे अगर पॉजिटिव दोनों ही निकलते हैं तो वो भी सामान्य हो जाते हैं। जी देखिए, आज 9 नवंबर पूरे प्रदेश में ये दिवस नारी सुरक्षा दिवस के रूप से मनाया जा रहा है, प्रधानमंत्री नारी सुरक्षा दिवस के रूप से। उसका मुख्य उद्देश्य यही है, जो यहाँ गर्भवती महिला उन लोग का जो लगातार जांचें होती है उसका प्रचार प्रसार कराना है और उन लोग का आगे भी जो नॉर्मल डिलीवरी की दिशा पर ले जाना है, उसी का क्या क्या चीज़ होनी है उसी का अभियान के तौर से चलाएँ। आज ये कोराबार में आया हूँ और कितने जो गर्भवती महिला थी यहाँ, उन्हीं लोग का पोषाहार चीज़ हम लोग दिलाएँ। उसके अलावा यहाँ जो इन लोगों का टेस्टिंग चल रही है और जागरूकता कराने के लिए हम लोग सभी को बैठा करके बताए भी है। उम्मीद करते हैं अभियान अच्छा चलेगा और बहुत सारे गर्भवती महिला को उसको फ़ायदा मिलेगा।